तो भाई अभी जो गाड़ी मेरे साथ में खड़ी है ना, ये है स्विफ्ट CNG। स्विफ्ट जो है ना आपने बहुत देखी है मेरे चैनल पे, लेकिन फाइनली जो ना अब ये CNG में भी आ चुकी है। अब CNG में क्या है, इसके अंदर अब आपको एक बढ़िया सा बड़ा सा टैंक मिल जाएगा। अब क्या है ना कि CNG में आपको माइलेज भी बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन 3 सिलेंडर है तो 3 सिलेंडर के हिसाब से आपको नॉर्मल और जो है CNG में कितना डिफरेंस मिल जाएगा वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ बूट स्पेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बूट स्पेस जो है ना काफ़ी बढ़िया कर दिया अब की बार, क्योंकि स्टेपनी जो है ना यहाँ से हटा दी है। स्टेपनी यहाँ पे है ही नहीं, बट हाँ यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो स्टेपनी, तो स्पेस वगैरह जो है ना आपको डिसेंट ही मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये आपको पार्सल ट्रे हटानी पड़ेगी, उसके बाद जो आपको बढ़िया अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, उससे पहले बाकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले भाई रिमोट की आपको मिलती है, क्योंकि ये जो वेरियंट है ना ये है स्विफ्ट VXI ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल में क्या है कि आपको पुश स्टार्ट बटन वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती है, बाकी कुछ ऐसी रिमोट की आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, कुछ एक फीचर्स एक्स्ट्रा है कंपेयरिंग टू नॉर्मल VXI। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है ना वो है 9,88,000, एंड विदाउट CNG की जो ऑन रोड प्राइस है ना वो है 8,88,000। तो लगभग 1,00,000 रुपये महंगी है CNG में। अब ये 1,00,000 रुपये वसूल कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। उससे पहले बता देता हूँ इसका लाइक हेडलैम्प सेटअप और वो सारी चीज़ें कैसी क्या है। तो सबसे पहले देख लो भाई, कंप्लीट हेलोजन सेटअप ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। ये देखो कंप्लीट जो है ना हेलोजन सेटअप है, कहीं पे भी LED वगैरह आपको ZXI+ के अलावा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कंप्लीट हेलोजन सेटअप है, कोई DRL नहीं है। पायलट लैंप भी जो है ना आपको हेलोजन में ही देखने को मिलते हैं, उसका जो इंडिकेटर भी यहाँ पे हेलोजन में है, या फॉग लैंप वगैरह नहीं है। ये बेस मॉडल से ही जो है फ्रंट बिल्कुल सेम ही आपको देखने मिलता है, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अब इंजन के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये जो है ना वही 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि अराउंड 77 BHP की पावर देता है, 98 Nm का टॉर्क देता है। तो CNG में जो है ना थोड़ी सी कम पावर और टॉर्क आपको मिलेगा, बट हाँ उतनी ज़्यादा फील नहीं होती क्योंकि कंपनी फिटेड है ना, तो उतना फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। बट इसको आप जब पेट्रोल में लगाओगे ना तो आपको वही 113 Nm का टॉर्क और लगभग 82 PS की पावर आपको मिल जाएगी, तो फिर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में भाई टायर वही 14 इंच के अपने को देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ORVMs मिल जाएंगे, एंड ये फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। बाकी हाँ यहाँ पे आपको इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं, A pillar B pillar एंड जो है C कंप्लीट मैट ब्लैक में है। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, उसी के साथ में पीछे कोई डिस्क ब्रेक नहीं है ना बेस मॉडल में टॉप मॉडल में। पीछे कंप्लीट LED सेटअप आपको मिल जाएगा, LED टेल लाइट्स यहाँ पे है, LED हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिलेगा, LED में सिर्फ टेल लाइट और ये ब्रेक लाइट आपको देखने को मिलेगी, बाकी पूरा कंप्लीट हेलोजन में ही मिलेगा। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, उसी के साथ में स्विफ्ट की बैजिंग, सुजुकी का यहाँ पे लोगो, या हाई स्टॉप माउंट लैंप, वाइपर, CNG की बैजिंग, डिफोगर बेस मॉडल से ही आपको मिलता है। उसके बाद में आप दिखा देता हूँ आपको ये टैंक। अब ये जो टैंक है ना ये आपको मिलता है 60 लीटर का, 60 लीटर कैपेसिटी है, मतलब ये 8 किलो से 10 किलो तक मान लो प्रेशर बहुत अच्छा है ना तो आपको जो है 10 किलो जो है देखने को मिल सकती है, बाकी नॉर्मली 7-8 किलो ही इसके अंदर आती है CNG। अब CNG में जो है ना ये गाड़ी माइलेज आपको कितनी देगी वो बता देता हूँ। कंपनी क्या कह रही है वो देखो, उससे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी जो बोलती है ना वो कभी मिलती नहीं है। नॉर्मली सिटी की बात करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर आप हाईवे पर जाते हो तो देखो दोनों में ही सेम है, पेट्रोल में भी CNG में भी कोई डिफरेंस नहीं है। पेट्रोल में आप निकाल लोगे हाईवे पर 23-24 की, इसमें आप निकाल लोगे भैया 25 की या 26 की मैक्स, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस गाड़ी को वो लोग लेंगे जिनको मोस्टली चलना है सिटी में ट्रैफिक में, वंपर टू वंपर ट्रैफिक में आप चल रहे हो, ठीक है गाड़ी चली 10 किलोमीटर है और स्टार्ट रही है कम से कम 1 घंटे, तो वहाँ पे आपको CNG बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो CNG में आपको माइलेज देगी ना सिटी में दे देगी 18-20 की आराम से, जबकि पेट्रोल में जो है 10-11 की ही दे पाती है। तो ऑलमोस्ट बढ़िया डबल माइलेज आपको मिल जाएगी CNG में जब आप ट्रैफिक में चलोगे ना, तब तो आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो आप CNG की तरफ जाना, और यदि नॉर्मल आपका हाईवे पर रनिंग है ना तो आप 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा देने से बढ़िया कि आप पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। अब आपको फिल कहाँ से करानी हो बताता हूँ। सबसे पहले भाई यहाँ से आपका नॉर्मल पेट्रोल ही डलेगा, ठीक है यहाँ से आप CNG वगैरह इसमें नहीं फिल करा पाओगे, लेकिन CNG कहाँ से फिल करानी हो बताता हूँ। CNG फिल करानी तो भैया आपकी यहाँ से होगी, इसको आप ओपन कर सकते हो अपनी इस कैप से, क्योंकि अब इसके अंदर 3 चाबियाँ मिलने लगी है, पहले जो है 2 चाबी थी, अभी ये नॉर्मली आपको एक और चाबी देखने को मिल गई है। अब इसको आप नॉर्मल ऐसे अनलॉक करो एंड यहाँ से आप फिल करा सकते हो, तो ये जो चीज़ है ना ये भी अच्छी दे दी अब मारुति ने इसके अंदर, तो ये अलग से अब की बार अपने को देखने को मिला है। पहले क्या होता था, या तो अपने को नॉर्मल इस साइड लीड देखने को मिलती थी, कोई लॉक अनलॉक का सिस्टम उसमें था ही नहीं, बट अब इन्होंने सही चीज़ दे दी। बाकी पीछे मैं बता देता हूँ क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं क्या नहीं मिलते वो देख लेते हैं। तो देखो नॉर्मल ही है सीट, कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह पीछे नहीं है, सीट्स वगैरह पीछे सब नॉर्मल है, ये फैब्रिक सीट, स्पेस वगैरह ठीक ठाक है, आप नॉर्मल 4-5 लोग की फैमिली है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जो अच्छे से बैठ सकते हो गाड़ी में।
चारों पावर विंडो वगैरह है, तो ओवरऑल पीछे तो सारी चीज़ें हैं, कोई एसी वेंट वगैरह बट नहीं है। अभी जो है आगे जाके बताता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें गाड़ी में दी गई है। सबसे पहले बैठ जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और अंदर बैठते ही जो है ना आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। उसी के साथ में अब मैं की को रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप, ये है अपने ORVMs के कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से राइट लेफ्ट, यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, लॉक अनलॉक, ये विंडो लॉक, यहाँ से ड्राइवर साइड जो विंडो है वन टच डाउन वन टच अप, ये जो है बेस मॉडल से ही है। तो ये जो चीज़ें ना ये तो सेम ही है, लाइक यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ना ये बेस टू टॉप सब सेम है। उसके बाद VXI से स्टार्ट हो जाता है ये, जो कि Alexa में नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ एक क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ये कपड़े का यूज किया गया, ये बेस मॉडल में भी है टॉप मॉडल में भी है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भैया यहाँ है अपना फ्यूल का बटन, जहाँ से आप शिफ्ट करोगे CNG और पेट्रोल में, ठीक है। तो लो जी अभी जो ना गाड़ी ऑन कर ली मैंने, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मीटर आप देखोगे, यहाँ पे RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, ये पेट्रोल का है, ये CNG का है, ऊपर आपको फ्यूल मिल जाएगा, नीचे ओडोमीटर है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। उसके बाद बटन्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओडोमीटर चेक करने के लिए, ट्रिप ए आ गया, ट्रिप बी आ गया, ये ओडोमीटर आ गया। अब इधर जो बटन है इससे आप बाकी चीज़ देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रेंज आपको दिखा देगी, माइलेज, एवरेज माइलेज, तो ये सब माइलेज वगैरह दिखाता है पेट्रोल की। CNG की माइलेज जो है कोई भी गाड़ी नहीं दिखाती, ये तो क्या दिखाएगी, तो इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको CNG में तो देखो ये दिखाने जरिए। और CNG में जो अपन बात करते हैं तो इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ आती है, तो मेनली कहने का मतलब है कि CNG में जो है ना कोई भी गाड़ी ये नहीं बताती कि क्या माइलेज आपकी गाड़ी दे रही है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना चला सकते हो। अब ये ऑन का मतलब क्या है, सो ये जो ऑन लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है कि भाई इग्निशन ऑन है, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट कर लोगे गाड़ी में जो है ऑन की लाइट चली जाएगी और यहाँ पे जो अपना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ है जो कि अभी इसी वेरियंट में मेरे को देखने को मिली, क्योंकि इसमें जो है ना पुश स्टार्ट बटन है, जिसमें पुश स्टार्ट बटन है ना उसी में चीज़ दिखाता है। उसके बाद अपना नॉर्मल फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, नॉर्मल से जो है कंट्रोल इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के, इधर कॉल वगैरह उठाने के काटने के बटन है, और ये जो है ट्रैक वगैरह चेंज करने के, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के, ये सारी चीज़ें। बाकी 7 इंच की ये छोटी सी डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो है ना आपको एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये इवेंट्स वगैरह है, यहाँ पे जो है ना AC अगेन यहाँ पे आपको मैनुअल ही मिलता है, लाइक ऑटोमेटिक AC यहाँ पर भी नहीं है, ऑटोमेटिक AC आता है सिर्फ इसमें टॉप एंड वेरियंट में। उसके बाद ये एक डैशबोर्ड आप लेआउट देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है, जिसके अंदर अभी ये जो चीज़ है ना इन्होंने ये लाइक अलग देखने को मिली, लाइक जो आप बलिनो वगैरह देखते हो ना उसमें ये जो स्टिकर ऊपर का थोड़ा सा डिफरेंट शेड देता है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद 2 कप होल्डर यहाँ पे, USB चार्जर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का शॉकेट देखने को मिल जाता है, ये रहा, थोड़ा स्पेस यहाँ पर है, हैंड ब्रेक यहाँ पे है, सीट्स वगैरह बढ़िया है, फैब्रिक सीट्स हैं तो कंफर्ट है ही। उसके बाद ये मैन्युअली आपको सेट करना पड़ेगा, बेस मॉडल में ये नहीं आता है, ये सिर्फ आपको VXI से ही देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हेलोजन लाइट है, वेंटी मिरर आपको देखने मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड ये भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भाई बोनट वगैरह ओपन करना है या कुछ भी फ्यूल कैप ओपन करनी है, तो यहाँ ये दोनों कंट्रोल दिए गए, यहाँ से फ्यूल कैप, यहाँ से बोनट। अब आपको बताता हूँ ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो भाई ये जो गाड़ी है ना वो लोग लेना जिनकी रनिंग मोस्टली 80-90% सिटी में रहती है, कि जिनको भैया गुड़गांव जैसे दिल्ली जैसे शहर में चलानी है और बहुत कम हाईवे पे जाना होता है या फिर बहुत कम लॉन्ग ड्राइव्स करनी होती है, वो लोग कि भैया आपने 1,00,000 किलोमीटर चलाई तो इसमें से 80,000 किलोमीटर आपकी सिटी में ही चली है गाड़ी, तब जाके इस गाड़ी को लेना, क्योंकि CNG में तभी वर्थ इट है, तभी आप ये 1,00,000 रुपये वसूल कर पाओगे, वरना भाई पेट्रोल बेस्ट ऑप्शन है, पेट्रोल की तरफ आप चले जाना। अभी जिसको भी ये गाड़ी लेनी है ना दिल्ली NCR में, तो आप लोग जो है भाई नंबर कॉन्टैक्ट दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इनको कॉल कर लेना, आपको जो है ना बढ़िया रेट पर यहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी। 9.88 लाख इसकी ऑन रोड प्राइस है, यदि आप मेरे नाम से आते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए जी, ये तो कुछ आज की वीडियो में स्विफ्ट CNG मैंने आपको दिखा दी। नॉर्मल मैं जो स्विफ्ट चला रहा हूँ पेट्रोल वाली, वो अराउंड अराउंड मेरे को सिटी में माइलेज देती है 14-15 की, ठीक है, तब देती है जब मैं अलॉय व्हील निकाल के रख दूंगा, जब मैं अलॉय व्हील के साथ चला रहा हूँ तो वो गाड़ी 12-13 की देती है। तो नॉर्मली आप स्टॉक टायर्स में चलाओगे 14 इंच वालों में, तो आराम से जो आपकी गाड़ी 14-15 की माइलेज सिटी में दे देगी, और CNG के साथ आपके 18-20 तक दे सकती है। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो, लाइट फुट पे गाड़ी चलानी पड़ेगी, आप भूल जाना कि भैया आपको रेस भी करनी है किसी से, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाओगे तब जाके माइलेज मिलेगी। तो चलिए जी, ये तो कुछ आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।